दोस्तों, अभी तक का वीडियो देखने के बाद आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इन छात्राओं के द्वारा यह आक्रोश, यह प्रदर्शन आखिर क्यों किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, आज यानी 11 नवंबर 2021 को बांदा के पंडित जैन डिग्री कॉलेज में यहाँ पर छात्रों को फ्री मोबाइल और टैबलेट हेतु ऑफलाइन फॉर्म वितरित किए जा रहे थे। जब छात्रों को ऑफलाइन फॉर्म वितरित किए जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत सी प्रकार की अव्यवस्थाएँ थी। तो वहीं पर के एक छात्र नेता, पंडित जैन डिग्री कॉलेज के एक छात्र नेता जिनका नाम है सनी पटेल विधायक, यह सब देख रहे थे। और जब बहुत देर हो गई और व्यवस्थाएं नहीं सही की गई तो उनकी और पंडित जैन के स्टाफ के बीच बहुत सी कुछ कहा सुनी हो गई। तो कहा सुनी की वीडियो आप आगे देखिए और फिर इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। कोई अनहोनी इनके साथ वापसी के समय घट जाएगी तो क्या विद्यालय महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदारी लेगा? या तो प्रचार महोदय ताला लगा के चले गए, प्रचार महोदय छात्रों को चुटिया समझते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अगर ये 20 रुपए 50 रुपए किस बात का लिया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक का वीडियो देखने के बाद आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, लेकिन अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं आखिर क्या था पूरा माजरा। इस घटना के बाद हमने वहां के छात्र नेता सनी पटेल विधायक से बात किया और पूछा कि बीच में वह क्यों भड़क गए थे, पूरा माजरा क्या है। उन्होंने हमें बताया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्टफोन टैबलेट योजना के आवेदन पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में वितरित किए जा रहे थे। इसी दौरान महाविद्यालय प्रशासन की ओर से फॉर्म वितरण की उचित व्यवस्थाएँ नहीं कराई गई, जिससे कि छात्र छात्राएँ घंटों इधर उधर भटकते रहें। चूँकि छात्र छात्राएं बहुत दूर दूर से आए थे, इसलिए साथ समय उनको अपने घर भी पहुंचना था। यह सब देखकर मैं भड़क गया और सभी छात्रों को लेकर पंडित जैन के स्टाफ से बातचीत किया। इसी बीच मेरी वहां के स्टाफ से नोक झोंक भी हो गई, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और खामियों को दूर करके पुनः वैधानिक प्रक्रिया के साथ फॉर्म वितरित करवा दिया। अरे